अच्छा सरा से सवाल है रैपिड फायर में, सेट पे लंबी लंबी कौन छोड़ता है यानी कौन फेंकता है लंबी लंबी? यासिर? यासिर? ओके गिव मी एन एग्जांपल, व्हाट काइंड, क्या कहता है? कोई कोई भी टॉपिक हो, जैसे आप किसी को बताते हो ना कि मैंने गाड़ी ली या मैंने कोई काम किया, तो एक स्टोरी एक इंसान के पास होती है। हां यासिर एग्जैजरेटेड कहानी है काफी, फिर बहुत मासूम वे कह रहा मैं क्या बोलूं यार, नो कमेंट्स, नो कमेंट। सबसे ज्यादा सेट पे कंजूस कौन है? शिराज। तभी तो दूसरों के बटवों में हाथ डाल रहा है। रिफ्रेशमेंट के पैसे भी हमसे लेता है कि अगर नहीं खाने तो अपने पैसे हमें दे दो। हाँ। तो मैं ऐड करके कुछ खा कुछ मंगवाता है, कुछ ऑर्डर करता है, तो फिर तुम लोगों से पैसे और क्या यार, क्यों प्रोडक्शन से पैसे नहीं मिले? ये तो एक्सप्रेस का ड्रामा है यार, कहाँ है सब लोग बता दो, पूछता तुम लोगों से मैं, एक्सप्रेस वालों पैसे निकालो से। अच्छा लड़का हमारी नजर में, यानी अच्छा लड़का तुम्हारी नजर में वो है जो ऐसा हो, जो ऐसा हो मतलब ऑनेस्ट हो, सच बोलता हो, सच बोलता हो, बस लुक्स मैटर नहीं करते चीजें, पर्सनालिटी मैटर करती है, पर्सनालिटी और ऑनेस्टी, ये दो चीजें। पक्का? हाँ। अभी अभी नई नई है ना, डिमांड्स भी बढ़ती जाएंगी। हर छह महीने बाद ये सवाल करना या साल बाद फिर देखते हैं, वो फिर चेंज, वो फिर चेंज हो जाएगा, वो फिर मैं बाद में बताऊंगा, बाद में। ठीक है, ओके जी। शूट पर खाने का बजट इनकी वजह से आउट हो जाता है, ये मुझे लगता है हमें निकाल देंगे यहाँ से, एक्सप्रेस वाले अगर बता दिया इसका, नहीं बताया इस सवाल को एडिट कर दो तो अच्छे रहे। सच बताना है भाई, सच तो सच बोलो। नहीं, हम बहुत कॉम्प्रोमाइज हैं, हम झूठ बोल रहे हैं ना, हमने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया, हमने किस तरह कॉम्प्रोमाइज, रोजे रख लिए क्या तुम लोगों ने पूरा पूरा दिन? बोलो बोलो बोलो। नहीं, हम सारे बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग थे, हमें जितना मिला हमने उसमें ले लिया, हमने कहा हमारा पहला प्रोजेक्ट है, ज्यादा नहीं बोलो निकाल देंगे। ज्यादा नहीं बोलो निकाल देंगे, ज्यादा खाने की डिमांड नहीं कर रही है। ठीक है, अच्छा हम में सेट पे, हमारे सेट पे सबसे ज्यादा तेज जुबान कौन है? तेज जुबान कोई नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई सेट पे मीठी छुरी कौन है? कोई नहीं, कोई नहीं, या शायद मैं अपना नाम ले लूं, सेफ साइड का नाम ले लूं, कोई तो नाम लो यार। सेट पे सबसे ज्यादा बोर कौन करता है? उधर क्या देख रही हो? यासिर तीन दफा देखे, यासिर यासिर तुम्हारी तरफ, और लोग भी हैं हमारी कास्ट, यासिर तुम उसको बोर कर देते हो, हमारी कास्ट में और लोग, और लोग भी, औरों का नाम भी ले लो, सभी दोनों का नाम भी है। यासिर के अलावा और कौन बोर करता तुम्हें? यासिर के अलावा बिस्मा, बिस्मा जो मेरी फ्रेंड बनी है, ठीक है, वो बोर कर देती है, वो बोर करती है। ठीक है, सेट पे सबसे ज्यादा महंगी महंगी चीजें कौन लेकर आता है? हमारे डायरेक्टर। सेट पे से जल्दी भागने की किसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है? कौन जल्दी भागने के चक्कर में होता है? हमारा क्रू ज्यादा, क्रू ज्यादा जल्दी भागने के चक्कर में, पता नहीं उनको, उनको घर जाना, उन लोगों में से किसी को घर जाने की जल्दी नहीं होती? नहीं, हमारा सेट बहुत अच्छा था, हम कहते थे हमें काम करवा लें आप लोग, और हम बैठे रहते थे सेट पे। सबसे ज्यादा बाथरूम में कौन जाता है? बाथरूम में जिसका पेट खराब है। ठीक है, ओके जी। यासिर, इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। क्यों क्यों हंस रहा है भाई? मैं इस बात पर से कि स्ट्रगल को तीन बार बोलने की क्या जरूरत है यार, स्ट्रगल और चीज भी हो सकती है, स्ट्रगल ही लाइक व्हाट, तू बता दे भाई। नहीं, मैंने आपने मुझसे पूछा अभी, लेकिन लाइक बता दो, बता दो। स्ट्रगल, लक और ऑनेस्टी, कुछ एक्ट्रेसेस अपने आप को ये समझती हैं, क्या समझती हैं? पता नहीं क्या समझती हैं, पता नहीं क्या समझती, मुझे भी नहीं पता लगा आज तक, पता नहीं क्या समझती, पता नहीं क्या समझती हैं यार, अजीब। लेकिन कुछ एक्ट्रेसेस बहुत डाउन टू अर्थ भी हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा,
मैं जो समझती हूँ उनकी बात कर रहा हूँ। वो हैं कुछ एक्ट्रेसेस कवर अप कर रहा ना पहले बात। उधर क्यों देख के बोल रहे हो यार ये? तुम नाम ले सकते हो। ये मैं कुछ नहीं समझती। ये अपना कुछ नहीं समझती। शी इज वेरी डाउन टू अर्थ। अच्छा ठीक है। मैं हिसाब बराबर नहीं करूँगा। कुछ एक्टर्स भी बहुत ज्यादा मेल एक्टर्स ये होते हैं। होते हैं क्या? होते हैं क्या? इंसान होते हैं? इंसान तो होते हैं, लेकिन क्या होते हैं? लेकिन फजूल का एटीट्यूड होता है उनमें जो कि नहीं होना चाहिए। मसलन लाइक व्हाट? मसलन के एटीट्यूड एज इन लाइक वो अपने से नीचे जो कास्ट होती है, जो सपोर्टिंग हो गई या जैसे जूनियर हो गए, उनके साथ अच्छा एटीट्यूड नहीं होता उनका। रियली? ये वैसे होता है। मैंने देखा कि कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया। एक चीज मैं बताती हूँ, मैंने ये चीज नोटिस की, जितना बड़ा एक्टर होते हैं जैसे आप लोग हैं, नुमान एजाज सर जितने भी हैं, वो उनमें ये चीजें नहीं है, नहीं होती। वो जो नए आए ना उनमें वो चीजें मैंने देखी, जिनको नया नया मिला हो, जिनको नया मिला जो पहली दफा देख रहे हैं, थोड़ा सर पे चढ़ जाता है। आई एग्री। कोई बड़ा अच्छे कवि साहब इनमें नहीं है, जो अभी आए उनमें मैं ये देखने को मुझे मिलता है। यानी जिनको कुछ नया नया मिल जाए तो वो अपने आप को समझते हैं कि हम आपसे जरा ज्यादा अभी मशहूर हैं, आप क्या हैं, यूं वाला एटीट्यूड होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा ऐसा होना चाहिए, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम यू लर्न कि ये चीजें सब आनी जानी है। इट्स लाइक टेम्पररी, इट्स और ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ये तो ऊपर वाले की देन है। अगर किसी ने अल्लाह ने आपको फेम दिया या पैसे दिए, यू कांट जज अदर्स, यू नो, या यू कांट लुक डाउन अपॉन अदर्स। बिल्कुल। लेकिन जैसे आप लोग हैं, आप लोगों ने काफी स्ट्रगल, आप हो गए, आपके अलावा फैसल कुरैशी हो गए, नुमान एजाज हो गए, ये पर्सनली कुछ एक्टर्स हैं जिनको मैं एडमायर करता हूँ, एज एन एक्टर देखता हूँ। तो आप लोगों ने अपने टाइम पे अपने सीनियर्स की भी फॉर श्योर रिस्पेक्ट की होगी और अपने जूनियर को भी दी होगी, इसी वजह से अब तक स्टिल लोग आप लोगों को देखते हैं ऑन स्क्रीन और आपसे सीखते हैं, आप लोग को इंस्पायर करते हैं काफी ज्यादा। सही है। तो दूसरों को इज्जत देना बहुत जरूरी है, वरना याद रह जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा चालाक कौन है मेरे सेट पे? रास। अरे वाह, कहीं से नहीं लग रहा ये चालाक, कहीं से नहीं लग रहा। ये साइलेंट बट वायलेंट वाली इसकी गेम है। ये बहुत मासूम लगता है लेकिन इतना मासूम है नहीं। ठीक है जी, मेरे सेट पे इनके पेट में कोई बात ही नहीं रहती। किसके? इनके पेट पे कोई बात नहीं रहती, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। वैसे तो ऐसी कोई बात, वैसे तो किसी के पेट में नहीं रहती बात। हाँ ये तो है। ये तो है, लेकिन मैं जब इसके साथ सीन करता हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है अपने सेट पे। सना के साथ? ओ अच्छा, वजह क्या है? क्या वजह है? मेरे साथ नहीं आता। तो वैसा दिया था, वजह ये कि सीन करते में मजा नहीं आता तुम्हारा। सीन करने में, सीन करने में तो सना के साथ इसलिए मजा आता है क्योंकि हम लोग की अच्छी केमिस्ट्री, हम लोग एक दूसरे को काफी समझते थे सेट पे। okay. और मतलब ऑफ स्क्रीन भी हमारी काफी अच्छी बात थी, अंडरस्टैंडिंग थी, तो वो ऑन स्क्रीन हम कोशिश करते थे कि अच्छा काम करें, एक दूसरे को टाइम देते थे। क्योंकि आई हैव सीन बहुत से एक्टर्स ऐसा करते हैं कि वो केमिस्ट्री डेवलप होती है ना, आप टाइम नहीं देते। Unless until you know each other, you can't really, you know, बड़ा naturally हो सकता है। बिल्कुल। तो हम लोग बराबर एक दूसरे को equally time देते थे on screen dialogues का, तो वो एक अच्छी बात थी। तो सना के साथ ये बोल दो अच्छी acting करती हूँ, तो अच्छी बोला ना, साफ बोला ना कि अच्छी acting करती है। बोल दिया, चलो बोल दिया, अच्छी acting करती है। सीधी तरह कान यहाँ से पकड़ो, इधर से जो पकड़ रहा है भाई, बोलो कि अच्छी acting करती है। हाँ ये part काट दीजिएगा। चुकनू की हीरोइन नहीं, हम पूरा part चलाएंगे। अभी नहीं, ये वाला काट के अच्छी acting वाला लगा दीजिएगा, ठीक है।